वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। गाइस थैंक यू वेरी मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। बहुत कम वक्त में आपने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है। नंबर ऑफ मेंबर्स डजंट मैटर। ऐसा होता है कि अगर आपके साथ एक दो तीन बंदे भी जुड़े हैं, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे ट्रस्ट करके आपको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, आप उनको लगता है कि आई कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी बात है और उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आज जो है वो कॉमन सी एक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सोल्यूशन, सनस्क्रीन। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारी स्किन पे दाने हैं, हमारी स्किन ये हो गई है, हमारी स्किन में काले दाने हैं, इची है या रेड हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पिगमेंटेशन एंड ऑल। और जब भी मैं उनके साथ बात करती हूँ, अपने कमेंट सेक्शन में जवाब देती हूँ या इंस्टाग्राम पे आंसर करती हूँ, सनस्क्रीन एक मेजर रोल जो है वो प्ले करता है। आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सनस्क्रीन उसको सॉल्व आउट करने में बहुत मेजर रोल अप्लाई करता है, प्ले करता है सॉरी। और जब सनस्क्रीन के बारे में बात होती है तो हर कोई पूछता है कि बजट में सनस्क्रीन बताएं। अब देखिए हर किसी का बजट जो है अलग होता है। सनस्क्रीन पहली बात तो 200 से नीचे बहुत कम आता है, लेकिन आपको उस मनी के ऊपर नहीं जाना। सनस्क्रीन इतना ज्यादा तो लगता नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, चाहे हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं चाहे सनस्क्रीन लगाते हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगती है। मैंने मेरा जो ब्लॉगिंग चैनल है हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स, अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब किया है तो आप देख सकते हैं उस पर भी। मैं जो मेरा फेवरेट है दैट इज़ न्यूट्रीजिना, न्यूट्रीजिना का अल्ट्रा शियर वाला सनस्क्रीन, ये लास्ट 2-3 साल से मेरा फेवरेट है। और मेरा जो एक बड़े वाली बॉटल है वो 2 साल आराम से चलती है, और मैं जबकि 3 बार सनस्क्रीन दिन में अप्लाई करती ही करती हूँ। एक मैटर करती है कि आप कौन सी क्वांटिटी लगाते हैं, कितनी क्वांटिटी लगाते हैं। एक तो भर भर के लगाना चीज़ें छोड़िए। ये मत सोचिए कि आपकी ड्राई स्किन है, आपकी बहुत ड्राई लग रही है, आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, आपको वो फील नहीं हो रहा, आप भर के मॉइस्चराइजर लगा लेते हो। 2 गलतियां वहां पे उसी टाइम करते हो। पहली गलती तो गाइस ये होती है कि हमारा मॉइस्चराइजर जो हमने लिया है वो हमारी स्किन को सूट नहीं कर रहा, दैट्स वाई अगर आप थोड़ा लगाते हो तो आपको फील नहीं हो रहा। दूसरी गलती ये है कि जब हम बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं ना, तो वो हमारे पोर्स में फंस जाता है और पूरा दिन हम वैसे ही रहते हैं, पोल्यूशन के संपर्क में आते हैं, डस्ट एंड ऑल बहुत सारी चीजों के संपर्क में आते हैं, और मॉइस्चराइजर के साथ वो धूल मिट्टी जो है वो फंस जाती है, स्टक हो जाती है, चिपक जाती है, तो हमारे दाने बनने भी शुरू होते हैं। मेन जो मैंने देखा ना प्रॉब्लम, आजकल झाइयों की प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा खाना पीना उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारे अंदर बीमारियां होती हैं, स्ट्रेस इश्यूज होते हैं, उन वजह से हमें पिगमेंटेशन आती है। एक बीमारी ये बहुत है कि वो पिंपल्स नहीं होते, वो एक्ने नहीं होते, हमारे दाने बहुत होते हैं। मोस्टली हर दूसरे तीसरे बंदे के माथे पे तो दाने हैं ही हैं, फेस पे हैं। अगर आपके गाइस माथे पे दाने हैं ना, जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स ये आए हैं कि हमारे माथे पे बहुत दाने हैं, तो उसका सबसे पहला रीजन जो है आपके हेयर्स में प्रॉब्लम है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ऑयली है, आप उसे साफ नहीं करते हो अच्छी तरह, आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ है, तो भी आपके दाने हैं। तो दाने होने के मतलब रीजन ही ये है कि कहीं ना कहीं हमने प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। तो आप लोग बोलते हो कि दीदी हमारी ऑयली स्किन है तो आप हमारे लिए क्रीम बता दीजिए, ड्राई स्किन है तो आप हमारे लिए क्रीम बता दीजिए। देखिए क्रीम तो हमें चाहिए चाहिए, हम डेली तो अब एलोवेरा लगा के बाहर तो नहीं जा सकते, है ना, हम डेली ये, हाँ एक चीज ये भी बोलूंगी, एलोवेरा मार्केट में बहुत आती है और हम थोप के बाहर चले जाते हैं, वो गलती नहीं करनी, वो भी हमारी स्किन को खराब करती है। आप अपने लिए एक अच्छी सी क्रीम चूज करिए, वो बहुत जरूरी है, है ना। लेकिन जो भी हमारी स्किन पे प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए एक स्किन केयर रूटीन चाहिए, जो सुबह और शाम को आपको फॉलो करना है। उसके साथ आपको एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन ये वाला चाहिए कि आप स्क्रबिंग कितनी बार करते हो वीक में, आपको कितनी बार जरूरत है स्क्रबिंग की, आप स्क्रबिंग के बाद पैक लगाते हो कि नहीं लगाते हो, ऐसा स्किन केयर रूटीन आपका होना चाहिए। स्किन वीकली जो आपका रूटीन है वो होना चाहिए। मैं सुजेस्ट करूंगी कि होम रेमेडी से ऊपर कुछ नहीं है, आप मंथली फेशियल भी जरूर लें। आप पार्लर में जाके फेशियल लेना चाहती हैं पार्लर में ले लें, घर करना चाहती हैं घर करें, अपना जो भी आपकी स्किन है उस पर जो भी इश्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग एक अपनी फेशियल किट लें,
और वो वाला अपना फेशियल जो है वो करें। लेकिन जो आपका वीकली रूटीन होता है ना, जो आप स्क्रबिंग करते हो या पैक लगाते हो, वो आप होम रेमेडी को रखे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये दाने वाने आप जब फर्स्ट टाइम होम रेमेडी करेंगे, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने आपके साथ टाइनी बम्स को लेकर शेयर की थी, फर्स्ट टाइम जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे, तो आपके ये वाले दाने फर्स्ट टाइम में ही आपको बहुत ज्यादा फर्क जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी स्किन टाइप है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा मॉइस्चराइजर एंड ऑल, मैं वन बाय वन हर कमेंट को लेके एक पर्टिकुलर वीडियो आपके साथ कोशिश करूंगी शेयर करने की। मेरा वर्क रूटीन, मेरा वर्क शेड्यूल बहुत टाइट होता है, दैट्स वाई थोड़ा सा लेट हो जाता है। आज बात कर रहे हैं सनस्क्रीन की, तो ये सारी कथा करनी भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि आप क्रीमों के पीछे, सीरम्स के पीछे इतना होच पोच करके मत भागिए, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। सबसे बड़ा रोल जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में होता है, वो हमारे खाने पीने का और वो हमारे एक अच्छे स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने का होता है। सनस्क्रीन क्या करता है, बहुत सारे आजकल हमें प्रॉब्लम्स होती हैं जो पोल्यूशन से होती हैं और जो सन से रेज पड़ती हैं उससे होती हैं। हम फोन के संपर्क में बहुत ज्यादा रहते हैं, फोन्स की रेज हमारे स्किन पे आती हैं, लाइट बड़ी बड़ी हमारे घर पे लगी है, उसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो रही है। मोस्ट ऑफ द टीनेजर गर्ल्स, टीनेजर जो भी बॉयज होते हैं, वो क्या करते हैं कि रात को बत्ती तो बंद हो जाती है, मम्मा पापा से चोरी, हमें क्या करना है, हमें रजाई में मुंह देके जो है फोन यूज करना है ना। मैंने अपने भाई को देखा इस तरह से, क्योंकि हम उसे गेम नहीं खेलने देते, तो फिर वो गेम क्या करता है, रजाई में मुंह देके करेगा, तो वो सारी फोन की रेज हमारे फेस पे आ रही है, तो वो तो इफेक्ट करेंगी ना। उनसे बचने के लिए एक प्रॉपर सनस्क्रीन आपको जरूर लगाना है, और जो मेरा फेवरेट है वो है अल्ट्रा शियर, ये जो है वो न्यूट्रोजीना का है। आपको अपनी स्किन टाइप इसमें मैटर नहीं करती, इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, फिलहाल मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं शॉप पे लाना भूल गई, मैं घर पे रखती हूँ, यूज़ करती हूँ, स्टोर पे नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है और उसकी मार्केट प्राइस, सनस्क्रीन लोगों को समझाने बहुत टफ है, वो लेते ही नहीं है, तो सब इस तरह छोटे छोटे सनस्क्रीन लेने जो है वो प्रेफर करते हैं कि क्रीम में ही एसपीएफ है तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको एक अलग से एसपीएफ चाहिए। अगर आपकी स्किन टोन बहुत फेयर है तो आपको 40-50 चाहिए, अगर आपका जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा डस्की है तो आपका 30 से भी काम चल जाएगा, लेकिन 30 से नीचे कभी भी आपको एसपीएफ नहीं लेना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ लें, अगर आप बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहती हैं, बहुत ज़्यादा लाइट के संपर्क में रहते हैं, तो आपको जो है वो पीए ट्रिपल प्लस यूज़ करना है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा तो आपकी स्किन को अच्छे से बचाएगा। सनस्क्रीन लगाते टाइम, क्रीम लगाते टाइम, मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, आपको कभी भी रगड़ रगड़ के नहीं लगाना, डॉट डॉट अपने फेस पे लगाओ, हल्के हाथों से एक लेयर बना लो, उसके बाद टक 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 वो अपने आप अंदर चला जाएगा। कभी भी ऐसा सनस्क्रीन ना लें जो आपकी स्किन के ऊपर एक वाइट कास्ट छोड़ जाए, अगर वो वाइट कास्ट छोड़ गया तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। बहुत सारे मार्केट में सनस्क्रीन आते हैं, लैक्मे के आते हैं, गार्नियर के आते हैं, बहुत सारे सनस्क्रीन आते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट हमेशा से यही रहा है, मैंने लोटस और लैक्मे यूज किया है, लेकिन उससे ऊपर भी न्यूट्रोजिना है, ये आपको बहुत अच्छी स्किन जो है वो देता है। पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी स्किन पे जो है वो पिगमेंटेशन रही है लास्ट 3 ईयर से, बिकॉज ऑफ सम माय मेंटल इश्यूज, उसकी वजह से आती जाती रहती है, लेकिन उसमें सनस्क्रीन का बहुत बड़ा योगदान है, ये मेरी स्किन को साफ करने में इसने मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प की है। नेक्स्ट अगर हम रेट की बात करें तो सनस्क्रीन कभी भी 200 से नीचे आएगा ही नहीं, 200 से लेके 300-400 बहुत सारे सनस्क्रीन हैं, आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ टॉप 5 सनस्क्रीन भी शेयर कर दूंगी, लेकिन मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करूंगी कि इसकी अमाउंट भी उतनी ज़्यादा है, जब भी आप चीज़ लेते हैं ना तो देखें कि अमाउंट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसका रेट फिर कंपेयर करें। थोड़ा सा हम अगर ज़्यादा खर्च लेंगे, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि खर्चे से बचाती हूँ, आपको चीज़ें बता देती हूँ कि आपके बजट में ये चीज़ मिलेगी, लेकिन मैं पर्सनली सुजेस्ट करूँगी कि आप जब सनस्क्रीन लेना तो प्लीज़ इसे में ही इन्वेस्ट करें, यही आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। 100-200 का झोलमाल है, थोड़ा पॉकेट मनी जोड़ लें, किसी और में से पैसा बचा लें, जैसे सीरम ना खरीदें, क्रीम ले लें, जो मॉइस्चराइजर ले रहे हैं वो ले लें, फेस वॉश ले लें, सीरम को थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर दें, सीरम वाला इन्वेस्टमेंट आप सनस्क्रीन में कर लें तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। आई होप जो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करना की कोशिश कर रही हूँ, जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा जोर दे रही हूँ स्किन केयर पे, आप थोड़ा सा समझेंगे कि हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में अच्छे खाने का
और स्किन केयर का सबसे ज्यादा रोल होता है, ना कि मैं कोई सीरम मैं कोई क्रीम ले आई यार इससे मुझे फर्क नहीं पड़ा, 10 दिन बाद मैंने उसको चेंज कर दिया, मैंने ये ले लिया। प्रोडक्ट चूज करते टाइम भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और एक प्रॉपर स्किन केयर अपना बना के उसको फॉलो करें, उसमें कंसिस्टेंट रहें। पानी की इंटेक अच्छी रखें, रात को अच्छे से सोएं, रात का टाइम बहुत यूजफुल होता है हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में, उसकी भरपूर यूज करें रात की। आप रात को कैसे यूज कर सकते हैं कि रात को सोएं और अपनी सुबह स्किन हमारी बहुत ग्लोइंग हो, वो भी मैं आपके साथ जो है वो वीडियो शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सत श्री अकाल।